इनके दम पे नहीं चल रहे हैं ये, बाकी जो एक्टर्स वक्टर्स आए हैं तो इनके दम पे ही जिएंगे खाएंगे। गुड मॉर्निंग टुडेज व्लॉग, तो भाई वहाँ बजे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली सुबह से कुछ खास हो नहीं रहा था, पर हाँ मम्मी जा रही है कहीं काम से, टिफिन पैक हो गए, मैं जा रहा हूँ दुकान। इनता देखो दुकान पे टिफिन देते हुए मैं आगे जा रहा हूँ शूट करने। हाँ से पहले कार साफ होगी और तुषार और वो चल रहे हैं मैं एक पंटर। चलो भाई जल्दी से तैयार होते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे फैंसी से और निकलते हैं आगे। घर में ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, चलते फिरते पर आ चुके हैं गुड़िया के घर। पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे शूट कर रहे और नीनो यहाँ को बता दो एयरबीएनबी देखो जीजू का, मेरे दिखाते हुए चलूंगा आज। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा क्या हो रहा है बता, अंदर बता बता क्या हो रहा है, कुछ अंदर क्या कर रहे बता ना, वो क्या लड़के क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्या बात है तू कर रहा है शूटिंग साथ में, बोल करेगा पूरे पानी की बोतल देना यार। अरे क्या देखो कैमरा देखते कैसे कैसे खौफ में आए थे लोग कैमरा के सामने, भाई फटके चार हो जाती है पूरी दुनिया की। मिला के मैं ये बता रहा था एग्जीक्यूशन का पार्ट अपना खत्म हो चुका है, पहले अपन एग्जीक्यूशन सोचते थे कैसे शूट हो गए, वो सारा वही सोच रहे हम। हमारे पास एक नंबर आइडिया बन रही थी मुझे ये बनाना है, अब वो तुम सोचो कैसे बनाना है। एक रील दिखाई मुझे इस टाइप की रील बनानी है, बोले ठीक है। और वे दोनों मिलकर सोच रहे कहाँ से क्या होगा, भागेगा कहाँ से, इंसान आएगा कहाँ से, मतलब बहुत बढ़िया भाई। देखो वीडियो शूट के लिए गुड़िया ने ऑन भी कर दिया बहुत। ये किचन की साइड रखा है बंदूक लाके तरुण भाई ने। खाना बनाना भले मारो। ये देखो मैंने क्या पोजीशनिंग रखी है, एक नंबर ला जवाब। तो भाई हमने ले लिया एनर्जी ड्रिंक क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, तो भाई पिला के आते। बाकी ये देखो भाई यहाँ पे पूरी इन्होंने प्रॉपर्टी तोड़ दिया आगे वालों ने, मस्त बहुत खरीदने की कोशिश के बाद भी नहीं मिली। और ये दिखाना कछुए साली, कछुए तू दिखाती ना पीटा वालों, देखो कैसे कछुए बांध रखे इन्होंने। एक औरत एक पूरी दीवार चढ़ना चाहता है बड़ा। चूतिया बिल्कुल चूतिया, बड़ा बढ़िया चूतिया बोला इसको, देख रहा गुस्से में। ओ टच करते देखो पूरा अंदर हो गया। हाँ हाँ ध्यान है मुझे, नाइट एट द म्यूजियम देखो, देखना अभी इसके गर्दन साले अंदर का। ए स्टूपिड बॉय हो गया अंदर भाई, सर ये क्या होना चाहिए दबदबा अपना भाई, कुत्ते कुत्ते को देखना कैसे डरता हूँ। कॉफ है भाई अपना कॉफ, कुत्तों के बीच में देखना वापस भाई, देखो भाई कुत्ते का बच्चा, देखो कुत्ते का बच्चा मैं इसको बोल रहा हूँ भाई। वाह यार कप 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 लग रहा है बिल्कुल। ले तो यशवाली यार के हाथ में दिया एक बार, आज तुषार को मैंने चैलेंज दिया एक ट्रिक चैलेंज, इससे हाथ धोना है इसको, इसको ऑन करके भाई ले भाई धो के दिखाओ हाथ तुम। मैंने उधार की शर्ट पहनी हुई है क्यों, क्योंकि ये शर्ट अब मेरे से जबरन छीनी जा चुकी है आगे घर में। देखो हाँ मेरी बना दो, मेरी बनाओ, हाथों मिलाओ हाथों मिलाओ हाथों मिलाओ, पहले हाथ मिलाओ पहले हाथ मिलाओ। आप बताओ कैरी मिनाटी कौन है, चलो है? कैरी मिनाटी कौन है, कार कार आ कार कैरी मल विनीता ने चला ही धिक्का दिया डक मकान को गिरा दिया, फिर थोड़ा सा बच गया। ये बता क्या बात कर रही है, एक बार विनीता को मम्मी ने कार की चाबी दी अभी जब नई नई शादी करके आई थी ना, तो आंटी ने जो सबसे सबसे बड़ी गलती आंटी की पता है, सबसे बड़ी आपकी गलती सबसे बड़ी, इन्होंने जबरदस्ती जोश चढ़ा दिया अविंदा को ना, अविंदा ने बोला हाँ आती है मुझे, अविंदा को सच में कार चलाने आती है, थोड़ी थोड़ी आती है उसको, यहाँ पे ब्रेक उसने हैंड ब्रेक पकड़ के रखा था,
थोड़ी लेके तीसरे में युद्ध है, पूरी यहाँ पे दीवार थी वो दीवार तोड़ दी और उसके बाद हमने ऐसा बना दिया। तो नहीं तो बस उसकी बदौलत ही ये बन पाया ना, ये ज्यादा अच्छा है। इधर तोकी और ये पूरा पिलर हट गया, हट गया तो टूट गया था, फिर हमने नया जुगाड़ कर मतलब नया बनवाया पूरा। नहीं इंसिडेंट हुआ था, मैं घर आया बनवाला, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, सामान ही तो है, गलती से तोड़ा ना, जानबूझ के नहीं तोड़ा था बस। अगर कि ये इंसान कोई जानबूझ के चीज नहीं कर रहा ना तो उसको भाई ठीक है ना यार, तुम या तो तुम इतने काबिल ही नहीं हो कि तुमको इतनी छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ रहा है, काबिल हो गए तो इतनी छोटी चीज़ें कभी नहीं पड़ेंगी। हाँ जानबूझ के जो कर रहा है उसको तो भैया उसके लिए तुमने डंडा रखा हुआ है कार में, तू बहन तो निकाल के गांड में सीधा। भाई अपन हो चुके हैं पूरे तैयार, अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, आपको हो सका दिखाएंगे, और फिलहाल मम्मी जब तक देखते हैं पीछे क्या कर रही है। क्या कर रहे हो भाई? देखो ये मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, बाकी मम्मी खुशखबरी देने वाली, मम्मी कल सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ तो बढ़िया है, और मेरे साथ जा रहे हैं गुड्डू भैया, आधा पाता किसने पाता, गुड्डू दादा के साथ जा रहे हैं हम, और भगवा रंग के कपड़े पहन के जाएंगे, नहीं मिला तो ये कुर्सी बांध के चल जाएंगे, जूते भी भगवा रंग है हमारे। तो भाई ये देखो, भाई ये देखो, ये मेरी बुक में भगवा, ये मेरे एसी के रिमोट में भगवा, ये मेरी घड़ी में भी भगवा, जय श्री राम, अपन तो हो गए रेडी, पूरा बाहर आ चुके भगवा कह रही वही घड़ी, और मीटिंग पे जाते हैं अपन ऐसे, क्योंकि अपनी कोई फॉर्मल मीटिंग होती नहीं है, अपनी सारी टाइम पास की चीज़ें होती हैं भाई जिंदगी में, बस टाइम पास होते होते ज़िंदगी कट रही है, करते तो प्रभु हैं पर नाम मेरा हो रहा है। भाई हम तो घूम फिर के आ गए, पर आपको एक चीज़ बताऊँ, आजकल मैं किस चीज़ का फ़ैन हूँ भाई, पर मैं वो फ़ैन अभी के टाइम पे बिग बॉस का, भाई बिग बॉस देख रहे हैं हम बहुत बढ़िया तरीके से, और उसमें जो हो रहा है ये एलविश यादव और फुकरा इंसान की, मुझे जितना ट्वीट्स वगैरह से समझ में आ रहा है लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई वो लोग इतने समझदार हैं, इतने सुलझे हुए हैं ना, तुम कुछ भी कर लो वो लड़ाई कभी नहीं करने वाले, तुम कितना ही भड़का लो, वो अपनी फील्ड के टॉप लोग हैं और वो अच्छा खासा अपना कर रहे हैं फील्ड पे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे रहना नहीं रहना, ठीक है मज़े आ रहे हैं उनको, पर इनके दम पे नहीं चल रहे हैं ये, बाकी जो एक्टर्स वक्टर्स आए हैं तो इनके दम पे ही जिएंगे खाएंगे, और ये जो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम है भाई इनके दम पे चल नहीं रहे। और अपन तो जब से मतलब मैं पुनी सुपरस्टार का बड़ा दुख हुआ था, मैंने देखना बंद कर दिया था सब कुछ, मैं लॉयल फैन की तरह बिल्कुल तरीके से छोड़ दिया मैंने सब कुछ, पर एलविश यादव जो रिप्लेसमेंट लेके आया, जो उनकी टीम है भाई उनको सल्यूट है, क्या इंसान लेके आया है, क्योंकि जो पुनीत सुपरस्टार का फैन है वो मुझे जहां तक लगता है एलविश यादव उससे ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, नो डाउट पुनीत सुपरस्टार अपनी जगह बहुत अच्छा है, पर एलविश यादव भाई अपनी बात पे मर्द की तरह अड़े रहना, क्लियर पॉइंट रखना, कट्टर इंसान और बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी, करता मजाक है पूरे टाइम, पर जब मुंह खोलता है ना भाई सोचता भी नहीं है बोलने से पहले और भिड़ने से पहले भी, और भाई बंदे की पावर है, भाई बंदे में बहुत बहुत ज्यादा पावर है, मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है जब से एलविश यादव आया देखने। मम्मी आपको कैसा लग रहा है एलविश यादव बिग बॉस में आया, आपको कैसा लग रहा है? I have no idea. As expected. देखो कैसा लग रहा है एलविश यादव बिग बॉस में आया? मैं ये सीजन नहीं देख रही हैं? मैं ये सीजन नहीं देख रही। कौन सा मानसून? अरे यार ये वाला सीजन नहीं देख रही। कौन सा? अरे जो अभी आ रहा है एलविश यादव पापा बिग बॉस में आया, आपको कैसा लग रहा है एलविश यादव बिग बॉस में, आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत जेन्युइन आंसर मिल रहा है, मुझे लगा कुछ उल्टा सीधा मजाक होगी पर कुछ नहीं मिला। अगर आप देख रहे हो तो भाई जरूर मेरी तरफ से एलविश यादव, अगर 100 लोग देख रहे हो तो एलविश यादव को सपोर्ट करो। तो बस आज के लिए इतना ही भाई, आज का दिन खत्म करते हैं इसी के साथ, और कल सुबह बहुत मजा आने वाला है, अगले ब्लॉग में आपको बहुत शायद इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ कांवड़ यात्रा पे, मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब तक मैं करके आ चुका हूँ, तब तक मतलब मैं रास्ते में ही हूँ जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो। है ना मम्मी? है क्या? कांवड़ यात्रा करने जा रहा हूँ ना। ऐसे पैदल जाऊंगा भाई, नहीं करके 500 किलोमीटर दूर। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर, और जितना शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे करो भाई, जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, और इतना एंगेजमेंट बढ़ेगा उतना मैं और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाऊँगा, एक कम्युनिटी बना पाऊँगा आप लोगों की। तो बस बाय, गुड नाइट।